तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PSL का मैच नंबर 24 के बारे में, जो होने वाला है इस्लामाबाद वर्सेस कराची के बीच में। जानेंगे इस वीडियो में कौन सी टीम होगी विनर, मैच विनर, टॉस विनर, पिच रिपोर्ट, साथ ही टॉप परफॉर्मर कौन से है जो कि आज आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स ला के देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट, मैच का हाल और साथ ही किस टीम की कुंडली है भारी, कौन जीतेगा मैच है, बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन यदि आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करते ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। दोस्तों, बात करते हैं आज के मैच की। तो मैच नंबर 24 जो होने वाला है नेशनल पार्क कराची में, ISU यानी कि शादाब खान की टीम वर्सेस कराची यानी कि शान मसूद की टीम। पहले आज डेट की बात कर लेते हैं। आज है 7 मार्च, लकी नंबर 7 है और आज दिन है गुरुवार का। यदि बात करते हैं टीम ISU की, इनका शुक्र स्वामी है नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन लकी नंबर 9 है पॉजिटिव पॉइंट है। यदि बात करते हैं कैप्टन शादाब खान की, इनका शनि स्वामी नेगेटिव पॉइंट है, लकी नंबर 5 अगेन यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि ISU के पास दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव भी है। बात करते हैं कैप्टन शान मसूद की टीम कराची की, इनका है यहाँ दोस्तों शुक्र स्वामी नेगेटिव पॉइंट जाएगा, लकी नंबर 5 पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। यदि बात करते हैं शान मसूद की, इनका शनि स्वामी नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर 6 अगेन नेगेटिव पॉइंट है। इन्हें कराची के पास 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। तो जो टॉस विनर है वो आपको मिलने वाली है दोस्तों टीम इस्लामाबाद की। अब यदि हम दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे कराची के नेशनल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, जहाँ की पिच रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि यहाँ का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो है यहाँ 180 का। हाई स्कोर यहाँ बना हुआ है दोस्तों 229 का। हाईएस्ट चेज यहाँ हो चुकी है 209 की और यहाँ पे बैटिंग सेकंड जो टीम करती है बहुत सारे मैच को जीत जाती है। नंबर ऑफ परसेंटेज विनिंग यहाँ पे बैटिंग सेकंड का ज्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आज भी आपको सेकंड बैटर जो टीम करेंगी वो जीतते हुए दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड अलर्ट की। वैसे तो हेड टू हेड की बात करते हैं पहले। अब कराची और ISU के बीच टोटल 20 मैच हुए हैं। 20 में से यहाँ पे 14 में जीत मिली है ISU इस्लामाबाद को, 6 में जीत मिली है कराची को। तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस में हमेशा इस्लामाबाद ही आगे रहता है। यदि बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो कराची अपने पिछले 5 में से सिर्फ 2 मैच जीती है, वहीं इस्लामाबाद भी अपने पिछले 5 में से 2 मैच जीती है। फॉर्म दोनों टीमों की एक बराबर चल रही है, बट फिर भी अपना कराची लास्ट मैच हार के आ रही है तो इस्लामाबाद अपने लास्ट मैच जीत के आ रही है। यदि बात करते हैं टॉप परफॉर्मेंस कौन से खिलाड़ी आज आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स लाके देने वाले हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आज आपको कॉलिन मनरो, शादाब खान, इसके बाद LD प्लोय, जेम्स विंस और M40 ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स आपको लाके देने वाले हैं। अब यदि बात करते हैं मैच विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले कि टेलीग्राम पे नहीं हो, कल का वीडियो नहीं आया था बट फिर भी हमने प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, क्योंकि कुछ कारणवश मैं चल रहा हूँ बिजी, कल था बिजी, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, बट फिर भी मैच मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था। इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम पे जो रहता है वो हमेशा अपडेट रहता है। टेलीग्राम को जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, इसी मैच में जैकपॉट एंट्री मिलेगी, सेशन ट्रेडिंग सब कुछ फ्री में इसी मैच का मिल जाएगा। रिपोर्ट चाहिए टेलीग्राम पे आ जाइए। बात करते हैं मैच विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ शादाब खान की टीम यानी कि इस्लामाबाद होगी इस मैच की विनर। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।